अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग मोटिवेशनल एसएचएफ एंड नाउ आई एम हियर टू टेल यू अबाउट हाउ टू स्टडी चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम सत्या। ठीक है, सत्यनारायण ये बुक है, यहाँ से आपने इसको करना है कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद इसके इसका फार्मूला याद करना है, ग्लाइकोम क्या है इसका आपको पता होना चाहिए, ग्लाइकोमिक्स का पता होना चाहिए, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, वाइवा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपने याद रखना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, ये आपको सारे आने चाहिए। इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो आपने अच्छे से करनी है, और इनका एम्पिरिकल फार्मूला, एक दफ़ा इसका फार्मूला जो है वो आपने रीड आउट कर लेना है, सॉरी ये जो टेबल है ये आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ लेना है फॉर एमसीक्यू। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स आपको पता होना चाहिए, इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, इसमें एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ओलिगोसेक्राइड्स की करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देन पॉलीसेक्राइड्स हैं, इसकी टाइप्स हैं हेट्रोपॉलीमर्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड होमोपॉलीसेक्राइड्स, इनमें आपको डिफरेंस आना चाहिए। उसके बाद स्टीरियोइसोमर्स, इनकी डेफिनेशंस आपने करनी है, ये सारी डेफिनेशंस आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये सारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आपने जो है ये डाइसेक्राइड्स जो हैं इनका आपको बताना चाहिए कि कौन कौन से हैं और ये किन किन शुगर से बने होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लिपन कॉर्ड जो है उस बुक में भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने वो जो शुगर्स दिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से क्या बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज जो है उससे लैक्टोज बनता है, वो उधर लिखा हुआ था, मैंने आपको सारा जो है वहाँ पे भी बताया था कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से भी आपने देख लेना है। उसके बाद ये वाले आपको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनकी मेन मेन डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये एपिमर्स की डेफिनेशन, एनशियोमर्स की डेफिनेशन लिपन कॉर्ड में मैंने आपको बताई थी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है एमसीक्यू के लिए, और एसीक्यू के लिए डेफिनेशंस वगैरह आ सकती हैं। उसके बाद आपने जो है ये सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लिया है, उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसका आपको पता होना चाहिए, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और ओसाजोन फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इसमें कौन सा टेस्ट इन्वॉल्व होता है, और इसके जो ये रिएक्शन हैं इनमें कौन कौन से कार्बन जो है वो प्रेजेंट है, कौन सी टाइप की ओसाजोन्स किधर होते हैं, ये आपको एक दफ़ा रीड आउट आपने कर लेना है, और ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। उसके बाद आ जाता है ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स आपने अच्छे से इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स याद करनी है, इसके फार्मूलाज याद करनी है, इसकी टाइप्स याद करनी है, और इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए चारों नाम। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव्स, शुगर डेरिवेटिव्स, ये सारा बस एक दफ़ा रीड आउट आपने कर लेना है। उसके बाद डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स में डेफिनेशन, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो है इनका आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये एमसीक्यू में ज़रूर पूछते हैं, एसीक्यू में भी डिफरेंस आता है, माल्टोज जो है वो किस, माल्टोज जो है वो किस तरह से बनता है, इसमें सन फ्लावर शेप जो है ओसाजोन की फॉर्मेशन जो है इसकी शेप की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये सारा आपने एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट कर लेना है, देन ये भी सारा बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लैक्टोज अच्छे से पढ़ लेना है। देन पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स की डेफिनेशन, इसके करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में डिफरेंस क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च का पता हो, स्टार्च की टाइप्स जो है माइलेज और माइलोपेक्टिन, इन दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। देन डेक्सट्रिन क्या है, डेक्सट्रंस ये जो है ये एमसीक्यूज में आते हैं, ये आपको एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए, और इन दोनों में डिफरेंस भी पता हो। देन ग्लाइकोजन आपने पढ़ लेना है, उसके बाद सेलुलोज, सेलुलोज का पता होना चाहिए कि इसमें ग्लाइकोसिडिक बांड जो है वो किस कौन से कार्बन एटम्स पे बन रहा होता है, और इसमें अल्फा होता है, बीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है ये पता हो, इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए आपको। देन आपको म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, ये वो गैग्स ही हैं, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप रिपन कॉर्ड से जो आपको फ्लो चार्ट बताया था वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपने अच्छे से पढ़ना है, इधर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ से एमसीक्यूज मोस्टली बनते हैं, ये आपने ज़रूर करने हैं। ये भी मैंने लिखा हुआ है कि आल मोल सॉरी म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स कंटेन यूरोनिक एसिड एक्सेप्ट केराटिन सल्फेट, देखिए एमसीक्यू आता होता है, ये फंक्शंस इसके दिए हुए हैं, ये आपने सारा एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट कर लेना है।
हेलुरोनिक एसिड ये भी आपने कर लेना है, ये सारा एक दफ़ा अच्छे से रीडेट कर ले। और के तो ये टेबल जो है ये आपने ज़रूर अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इनकी कंपोजिशन किस तरह से होती है, ये आपको बताना चाहिए, आपने अच्छे से याद करना है। चाहे इसका स्क्रीन शॉट ले लें, चाहे आप मेरे एफ ई पेज पर जाएँ, उधर आपको जो है वो इसकी पिक्स मिल जाएंगी। सब्सक्रिप्शन में जो है वो लिखा हुआ है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, तो आप पेज फॉलो कर लें, एफ पी पेज भी, इंस्टा पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी भी चैप्टर्स के बारे में गाइड करूँगी इंशाल्लाह। आप और ये भी है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स आपने जो है ये भी अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट कर लेने हैं, इसको भी रीड आउट कर लेना, और ये सारी समरी जो है इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें से एम सी क्यू आ सकते हैं, तो ये समरी आपने अच्छे से याद करनी है। उसके बाद ये एम सी क्यूज दिए हुए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें, फिलिंग दी प्लैंक्स की प्रैक्टिस करें। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जब चैप्टर आप पढ़ लें तो ये क्वेश्चंस जो इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।